हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हम लोग लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख रहे थे, उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में जनजातियों का आगमन। पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें है सिंहभूम में रोमन साम्राज्यों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम क्षेत्र से रोमन सम्राट के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची जिले से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों से हमें यह पता चलता है कि झारखंड क्षेत्र के लोगों का संपर्क दूसरे क्षेत्रों, विदेश के अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ के लोगों का संपर्क था। इन सिक्कों से ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल, जो कि 550 ईस्वी से 650 ईस्वी के बीच था। उस काल में बंगाल के एक प्रतापी शासक थे, गौड़ शासक शशांक, जिनका शासनकाल 602 ईस्वी से 625 ईस्वी था। यह एक शिव उपासक था जिसने बौद्ध धर्म केंद्रों को नष्ट किया। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के केंद्रों को नष्ट किया, तो इसका आंसर है बंगाल के गौड़ शासक शशांक, जो कि शिव के उपासक थे। इसके अलावा पुष्यभूति या वर्धन वंश, जिसे हम कहते हैं, के सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी था, उनके साम्राज्य का एक हिस्सा कांजगल, जिसको राजवाल कहा जाता है, का एक छोटा सा हिस्सा भी शामिल था। मतलब वर्धन वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन, उनके साम्राज्य का हिस्सा हमारा झारखंड का राजमहल क्षेत्र, जिसे उस समय कांजागल कहा जाता था, उनके साम्राज्य का हिस्सा था। इसके अलावा गुमला जिले के प्रसिद्ध महामाया मंदिर, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध महामाया मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो महामाया मंदिर कहाँ स्थित है, गुमला जिले के जो घाघरा थाना अंतर्गत हापाउनी ग्राम में पड़ता है। तो गुमला जिले के घाघरा थाना के हापाउनी ग्राम में जो महामाया मंदिर है, इसका निर्माण कराया था नागवंशी शासक गंजघट राय। कब कराया था, 908 ईस्वी में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो नागवंशी शासक गंजघट राय ने, और कब कराया है, 908 ईस्वी में कराया था। इसके अलावा बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान शासक को संरक्षण दिया था। वज्रयान शाखा को संरक्षण किसने दिया था, बंगाल के पाल शासकों ने। इसी से संबंधित है वज्रयान शाखा, जो इससे संबंधित है, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ या मंदिर, जिसे लोग कहते हैं, वो बौद्ध वज्रयोगिनी का ही हिंदी प्रतिरूप है। बौद्ध धर्म के वज्रयोगिनी का ही हिंदी प्रतिरूप है कौन, रजरप्पा का छिन्नमस्तिके शक्तिपीठ। ये पड़ता है रामगढ़ जिले में। रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पड़ता है, रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक क्षेत्र में। ठीक है, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में जनजातियों का आगमन क्रम, यानी किस क्रम में झारखंड क्षेत्र में
जनजातियों का आगमन हुआ। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि झारखंड की सबसे प्राचीन या पुरानी जनजाति है पसूर। तो किस क्रम में हुआ था आगमन? तो सबसे पहले आगमन हुआ था असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, इन जनजातियों का आगमन झारखंड में सबसे पहले हुआ था, उसमें भी सबसे पहले असुर का। इसके बाद हुआ था कोरवा जनजाति का। ये कोरवा जनजाति जो है वो गढ़वा और पलामू क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, गढ़वा और पलामू क्षेत्र। उसके बाद हुआ मुंडा, उराव और हो जनजाति, और उसके बाद हुआ चेरो, खेरवार, भूमिज और संथाल। ये कुछ झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं जिनका झारखंड में आगमन इस क्रम में हुआ था, असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया सबसे पहले, यानी ये सब झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां हैं। उसके बाद कोरवा, उसके बाद मुंडा और उराव, हो, और उसके बाद चेरो, खेरवार, भूमिज और संथाल। जनजाति के बारे में हम लोग बाद में विस्तृत पढ़ेंगे, सबके बारे में एक एक कर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड के क्षेत्र में जो क्षेत्रीय राजवंश थे वो कौन कौन थे और उनका शासन कैसा था? तो झारखंड में सर्वप्रथम मुंडाओं ने राज्य निर्माण का कार्य शुरू किया था। झारखंड में राज्य निर्माण का कार्य सबसे पहले मुंडाओं ने शुरू किया था, इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुंडा राज्य, या जिसे सूतिया नाखंड भी कहा जाता है। मुंडाओं में रिसा मुंडा नामक व्यक्ति ने झारखंड में राज्य निर्माण का काम शुरू किया था या प्रक्रिया शुरू की थी। रिसा मुंडा, इन्होंने सूतिया पहान को मुंडाओं का पहला शासक चुना था। किसको चुना था? सूतिया पहान। सूतिया पहान ने अपने नाम पर बाद में इसका नाम रखा सूतिया नागखंड, सूतिया नागखंड। और इस सूतिया नागखंड को 7 गढ़ों में विभक्त किया। ये जो पूरा राज्य था जिसको सूतिया नागखंड नाम रखा, इसको 7 गढ़ों में विभक्त किया। वो 7 गढ़ कौन कौन थे? लोहागढ़, जो लोहरदगा का क्षेत्र है, हजारीबाग, पालुनगढ़ या पलामू, मानगढ़ या मानभूम, सिंहगढ़, सिंहभूम, केसलगढ़ और सुरगुमगढ़, या फिर जिसे सुरगुजा कहा जाता है। सुरगुजा की पहाड़ी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इस तरह का आप लोग ये 7 गढ़ों को देखते हैं तो जो सूतिया नागखंड है वो लगभग पूरे झारखंड क्षेत्र में, जो अभी का झारखंड क्षेत्र है, लगभग पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। इनका जो राज्य था मुंडा राज, वो पूरे झारखंड में फैला हुआ था, लेकिन ये इसको ज़्यादा स्थायी नहीं रख सके और बाद में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ और भी क्षेत्रीय राजवंश आगे बढ़े, जिसमें सिंगड़ का सिंहवंश है, मानगढ़ का मानवंश है, उसके अलावा छोटा नागपुर क्षेत्र का नागवंश है, पलामू का रक्सेल वंश, चेरो वंश है। ये सब के बारे में हम लोग बाद में एक एक करके एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि उनका शासन व्यवस्था कैसा था, वहाँ के लोग कैसे शासन करते थे। ये जो 7 गढ़ थे, इन 7 गढ़ों को 21 परगनों में विभक्त किया गया था। इन 7 गढ़ों को, ये जो 7 गढ़ है उनको 21 परगनों में विभक्त किया गया था। मुंडा जो राज था, जो सूतिया नागखंड तक फैला हुआ था,
शासक सुतियापान थे और इनके अंतिम राजा हुए थे मदरा मुंडा राज के अंशेष अंतिम शासक थे। इसके बाद छोटा नागपुर खासकर नागवंश आया, जिसमें बोला जाता है कि मदरा मुंडा और अन्य लोगों के द्वारा फिर फनी मुकुट राय जिन्होंने छोटा नागपुर खास के नागवंश की स्थापना की, उन्होंने फिर शासन किया। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड के अन्य क्षेत्रीय राजवंश, जिनमें प्रमुख रहेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र के नागवंशी शासक पलामू के रक्सेल वंश, सिंहभूम के सिंह वंश, मानभूम के मान वंश और भी कुछ है, रामगढ़ के राज रहेंगे, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये जो भी है ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे अक्सर झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, आगे हम लोग क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।